दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज आपके लिए हम इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस जिनको होता है उनसे पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकली क्वेश्चन ये होते हैं। ग्रेड आप स्टार्टर और कवर ब्लॉक का ग्रेड क्या हम रखते हैं, मतलब जो हम स्टार्टर यूज करते हैं कोई भी कॉलम की कास्टिंग होती है उससे पहले हम स्टार्टर बनाते हैं नीचे, जो हमारा 3 इंच से 4 इंच का होता है, 75 mm से 100 mm का। तो ये स्टार्टर किया जाता है पहले कि हमारा जो फॉर्म वर्क है वो प्रॉपरली फिट हो जाए और एक अच्छी मतलब उसको अलाइनमेंट मिले, ये सब चीजें स्टार्टर पे वीडियो वो देख सकते हो। तो स्टार्टर में कौन सा ग्रेड यूज करना होता है हमें, ग्रेड कौन से हो गए हमारे M25, M20, 30 ये सब, तो इसमें से कौन सा ग्रेड हमें यूज करना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है जो आपका कॉलम में अगर आप M30 डाल रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें उसी डिजाइन मिक्स डिजाइन का M30 का कंक्रीट यूज करते कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप हैंड मिक्स कर रहे हो तो क्योंकि सब जो मेन चीज है इस पे लोड काफी आने वाला है क्योंकि पूरा कॉलम इस पे खड़ा होगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो भी मेंशन है M30 मेंशन है तो आपको इसमें M35 ग्रेड का कंक्रीट डालना है, अगर M20 मेंशन है तो आपको M30 डालना है, मतलब एक एक स्टेप आगे ही आपको कंक्रीट यूज करना है। और वैसे ही कवर ब्लॉक ही है, कवर ब्लॉक क्या होता है, ये हमारी रिइंफोर्समेंट है और कंक्रीट ये हो गया हमारा कॉलम का, तो इसको रिइंफोर्समेंट को बाहर एनवायरमेंट से दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं 40 से 50 mm का कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। तो कवर ब्लॉक का क्या करना है आपको, कवर ब्लॉक या तो पीवीसी का आप लो, उसको उसी हिसाब से लो जितने स्ट्रेंथ है, M30 की स्ट्रेंथ का कंक्रीट उसमें डल रहा है तो 30 N/mm² उस कवर ब्लॉक की भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसी हिसाब से हमें कवर ब्लॉक लेना है। नहीं तो हमें कवर ब्लॉक अगर हम साइड पे बनाते हैं तो हमें उसी ग्रेड का बनाना है, M30 का या M35 का। मतलब ये गलती काफी जगह की जाती है, क्या किया जाता है, जो कवर ब्लॉक यूज किया जाता है वो प्रॉपर डिजाइन से प्रॉपर कंक्रीट से बनाया जाता है और जब वो यूज किया जाता है प्रॉपर जब लोड आता है उस पर तो वहां से टूट के फेल होने के चांसेस काफी हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो हम सीमेंट हैंड मिक्सिंग करते हैं साइट पे कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें CPWD या IS कोड क्या कहता है, जो भी जैसे हमारा मिक्स डिजाइन है M30 के लिए तो उसमें हमारा 430 kg सीमेंट हमें यूज करना है, लेकिन जब आप ये RMC है मतलब डिजाइन मिक्स है बन के आ रहा माल, अगर आप हैंड मिक्स उसको कर रहे हो तो आपको 410 kg × 10% उसमें ज्यादा सीमेंट हमें डालना ही डालना है, मतलब 43 kg + 430 kg इतना सीमेंट आपको ज्यादा कर देना है पर M³ पे, मतलब 10% आपको सीमेंट ज्यादा कर देना होता है जब आप हैंड मिक्स कंक्रीट करते हो। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था पटेल में। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जो स्लम्प कोण होता है हमारा, जो हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करते हैं या उसकी कंसिस्टेंसी, उसका मटेरियल की क्वालिटी, सेग्रीगेशन तो नहीं हो जाएगा या ब्लीडिंग मटेरियल नहीं है ना, ब्लीडिंग हो जाए बाद में, इन दोनों पे वीडियो है आप जरूर देखना। सेग्रीगेशन क्या होता है, हमारा एग्रीगेट अलग हो जाता है, सैंड अलग, सीमेंट अलग, तो अलग अलग हो जाता है वो सीमेंट कंक्रीट अच्छा नहीं होता। ब्लीडिंग में क्या होता है, जब एक बार कंक्रीट हो जाता है ऊपर पानी की लेयर बन जाती है अगर वाटर रेशियो ज्यादा हो, और इसमें वाटर रेशियो ज्यादा हो या सैंड कम हो या प्रॉपर मटेरियल अगर यूज नहीं करोगे, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, उसके हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको कितने लेयर में बढ़ते हैं, हम 4 लेयर में, 75 mm की 4 लेयर में हम इसको भरते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बाइंडिंग वायर होती है हमारी, बाइंडिंग वायर क्या होती है हमारी, जो भी हम स्टील साइड पे बांधते हैं, कॉलम बांधते हैं, बीम बांधते हैं, स्लैब बांधते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाई करने के लिए बाइंडिंग वायर यूज करते हैं। तो बाइंडिंग वायर का डाया क्या होता है, कौन सा अच्छा डाया जो हमें साइड पे यूज करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो होता क्या, अगर मोटा डाया का, मोटी गौज का अगर वो बाइंडिंग वायर यूज करेंगे तो लेबर को उसमें काफी टाइम लगता है बांधने में और हमारा वेस्टेज भी काफी जाता है, क्योंकि हमारा एक टन सरिया बांधने में 8 से 9 kg हमारी वायर लगती है, लेकिन मोटे डाया की होगी वो ज्यादा हमारी लग जाती है, वो कॉस्ट इंक्रीज करती है। तो आपको साइड पे इंटरव्यू में पूछा जाता है 0.9 to 1.6 mm डाया की
बाइंडिंग वायर हमें यूज करनी होती है, और गोज उसका अगर हम पता करें तो 16 गोज की वो होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जो सिल्ट कंटेंट होता है हमारा सैंड में, या फाइन एग्रीगेट बोले सिल्ट कंटेंट, वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। देखो आईएस कोड 4% भी कहता है, लेकिन अगर 6-8% सिल्ट कंटेंट पाया जाता है कंक्रीट उसमें सैंड में, तो उसको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं वीडियो भी लाने वाला हूँ, टेस्ट की सब वीडियो आएंगी, टेंशन नहीं लो। ये बस मैं आपको बता दें कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला है, आपने देखा होगा कोई भी बीम होता है ना साइड पे, कभी ध्यान देना कईयों ने दिया होगा, अगर लॉन्ग स्पैन वाला बीम है तो ऐसे आपको वो दिखेगा, मतलब बीच में से थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, मतलब ड्रॉइंग थोड़ी गलत बन गई, तो उसको हम बोलते हैं कैम्बर। ये चीज आपको वहां रोड में भी देखोगे, रोड इधर से ऊंचा होता है वहां से स्लोप हो, तो स्लोप के लिए कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहां इसका फंक्शन अलग है। तो कैम्बर क्या होता है, कैम्बर होता है मतलब इसको थोड़ा पहले ही ऊंचा रखा होता है कि बाद में अगर डिफ्लेक्शन हुई तो वो थोड़ा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा शो होनी, मतलब स्लोप नीचे शो हो नहीं, जितनी डिफ्लेक्शन होगी उतनी वो लेवल सरफेस पे आ जाए, इसलिए हम इसमें मैं वीडियो अलग सी है वो जरूर देखनी आपको, तो इसलिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो हमें स्लैब में, स्लैब एंड बीम उसमें कितनी कैम्बर प्रोवाइड करनी होती है, उसमें हम करते हैं 4 mm पर मीटर, मतलब अगर आपकी 10 मीटर की स्लैब है तो आपको बीच में 10 × 4 40 mm का कैम्बर प्रोवाइड करना है, कितना 40 mm। और अगर आपका कैंटिलेवर बीम है तो उसमें अगर हमारा एक बीम है तो 1 मीटर इसकी लेंथ है, तो आपको 1/5 उसका करना होता है, 1 × 1 × 2 हम करेंगे तो हमें 20 mm ऊंचा रखना है, मतलब अगर 2 मीटर को 2 × 20 आपका 40 mm, तो ये इधर से ये चीज इसकी 40 mm ऊंची रहेगी, मतलब ये पार्ट 20 mm ऊंचा रहेगा 1 मीटर का, 2 मीटर का तो 40 mm, और स्लैब में 4 mm देना होता है हर 1 मीटर पे। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन की सीरीज चल रही है, वो भी कंटिन्यू रहेगी, और साथ में मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की इंटरव्यू की, और साथ में हमारी टेस्ट की सीरीज आने वाली है, जो साइड पे हम प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं कंक्रीट वगैरह पे, तो कंटिन्यू आपके लिए सीरीज आती जाएंगी, आप देखते रहो सीखते रहो फ्री में। और इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस आपको हमारे चैनल सिविल साइट विजिट पे मिलती रहेंगी, बस आप ऐसे ही प्यार करते रहना और वीडियो देख के सीखते रहो, शेयर करते रहना, और जो चीज कमेंट करो जो आपको नहीं पता चलती है। थैंक यू गाइस।